चले हैं दामा नंगे पाँव चले हैं, चले हैं दामा नंगे पाँव चले हैं, भर मुट्ठी ले दान चले हैं। आज दृश्य क्या अद्भुत होगा, भक्त हरि के सम्मुख होगा, मन की पीड़ा कोई न होगी, प्रेम भरा संग हृदय भी होगा, भगवान भक्त से प्रतीक्षा करे प्रभु कृष्ण की कृपा हो तो प्यास लगने से पहले ही नदी मिल जाती है। जय श्री कृष्ण। तुम हो उस विष्णु अवतार कृष्ण के भक्त। त्रेता युग में तो उसने मुझे मेरी भक्ति करने के लिए दंड दिया था, आज मैं उसके भक्त को दूंगा मृत्यु दंड। मित्र, आपने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कोई हिंसक पशु है। तुम्हारे लिए तो मैं पशु से भी अधिक भयंकर हूं सुधामा। क्या सोच रहे हो मित्र, जल पीना है तो पी लीजिए। नहीं नहीं, नदी भरी हुई है। मैं तो ये सोच रहा था कि इस घने वन में आप क्या कर रहे हैं, कौन हैं आप? मैं कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त सुधामा। और आप? मैं महादेव का भक्त, हर हर महादेव। कितनी शुभ घड़ी है, दो भक्तों का मिलन हो गया। किंतु क्षमा चाहता हूं मित्र, मैं आपको अधिक समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे द्वारका जाना है ना, क्षमा चाहता हूं। सुनिए मित्र, रात्रि होने को है, घना वन है, आप थक भी गए होंगे, यहाँ पास में ही एक मंदिर है, चल के वहां विश्राम कर लीजिए रात्रि में, सुबह में चले जाइएगा। अपने प्रभु श्री कृष्ण को देखने की इतनी इच्छा हो रही है कि सारी थकावट दूर हो गई है, क्षमा चाहता हूं। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं मित्र, कि अपने प्रभु के दर्शन करते हुए जाइए। कैसे? जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, वो मंदिर भी कृष्ण मंदिर ही है। अच्छा, तब तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। बताइए कहाँ चलना है? बस यहाँ पास ही में है। जय श्री कृष्ण। नारायण, अब तुम्हारे इस परम भक्त की हत्या मैं तुम्हारे सामने ही करूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, बाली ने तो अपने भाई के साथ इतना बड़ा धर्म किया था, किंतु ये शंभुक कौन है प्रभु, और वो आपसे किस बात का प्रतिशोध लेना चाहता है? देव ऋषि, शंभुक एक युग से मुझसे अपना प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि त्रेता युग में मेरे राम अवतार ने ही शंभुक का वध किया था। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भला वो किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं प्रभु? देव ऋषि, समय के गर्भ में बहुत सारे सत्य छुपे हैं, और ये भी सत्य है कि श्री राम ने शंभुक का वध किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, शंभुक की ऐसी निर्मम हत्या? प्रभु, वो तो शिव भक्त था, भला ऐसी कौन सी विवशता थी
कि एक भगवान को एक भक्त की हत्या करनी पड़ी? देव ऋषि, ये उस समय की बात है जब संसार में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी और रघुकुल के कुल गुरु देव ऋषि वशिष्ठ श्री राम से मिलने आए थे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। क्या बात है गुरुदेव, आपके मुख पे इतनी चिंता क्यों है? मैंने सदैव रघुकुल का मार्गदर्शन किया है, किंतु आज ऐसी घटना घटित हुई है जिसने मेरे मार्ग को स्वयं अवरुद्ध कर दिया है। गुरुदेव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आज्ञा दीजिए। अवश्य राम, किंतु पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि किसी भी स्थिति में आप अपने दिए हुए वचन से विमुख नहीं होंगे। गुरुदेव, आपको तो ज्ञात है मेरे शब्द ही मेरे वचन है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं वचन देता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। तो ध्यान से सुनो राम, इस पापमय वाणी को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, ये तो किसी शिव भक्त की पुकार है। नहीं राम, ये किसी भक्त की वाणी नहीं है, ये एक छोटी जात की वाणी है। शास्त्रों के अनुसार जिसकी छाया से भी दूर रहने का विधान है, आज वो भक्ति कर समस्त संसार में छा जाना चाहता है, वर्ण व्यवस्था के नियमों को बदल देना चाहता है। किंतु गुरुदेव, संसार की सारी व्यवस्था सभी विधान भक्ति के लिए ही तो है। यदि कोई भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है तो उसमें समस्या क्या है? समस्या है राम, आज वो भक्ति कर रहा है, कल ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर देगा, क्या फर्क रह जाएगा उसमें और मुझ में? गुरुदेव, आपके कहने का अर्थ ये है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के अनुसार होनी चाहिए, किंतु गुरुदेव, वर्ण व्यवस्था तो कर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। गुरुदेव, राजा विश्व वे क्षत्रिय थे, ये तो आपको ज्ञात होगा, किंतु आज संसार उन्हें ब्रह्म ऋषि विश्वमित्र के नाम से जानता है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे, तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो राम। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरुदेव, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, किंतु मैंने आपको वचन दिया है, इसलिए उस वचन का पालन मैं अवश्य करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? तुम्हें वध करना होगा शंभुक का, यह है मेरी आज्ञा। एक वचन के कारण मेरे पिता चले गए थे और आज मैं चला जा रहा हूं, किंतु मैं रघुकुल की रीत टूटने नहीं दूंगा। गुरुदेव, मैंने आपको वचन दिया है गुरुदेव, और इस वचन का पालन मैं अवश्य करूंगा, चाहे ये पाप हो या पुण्य। राज में किसने किए यह अनर्थ? कौन है जिसने एक भक्त पर तीर चलाया? सामने आओ। मैं तुम्हारा अपराधी हूं शंभुक। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये कैसे संभव है? आप तो दोषों से परे हैं।
आपसे तो भूल चूक हो ही नहीं सकती, फिर ये भूल कैसे? राम से कोई भूल नहीं हुई है, उन्होंने तो केवल भूल को सुधारा है तुम्हें दंड देकर। दंड? एक भक्त को उसकी भक्ति का वरदान मिलता है, फिर ये कैसा वरदान दिया आपने मुझे श्री राम? वर्ण व्यवस्था को खंडित करने का पाप किया है तुमने, जिसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिला है। श्री राम, आपके राज में तो बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते, फिर हम मनुष्यों से, हम मनुष्यों से ये भेदभाव कैसा? आप तो इस संसार में धर्म की स्थापना करने आए थे, फिर मेरे साथ ये अधर्म किया। मेरी भक्ति के कारण आपने मेरा वध किया, इसके लिए मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा, मैं प्रतिशोध अवश्य अवश्य लूंगा। श्री 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 राम, तुमने इस छोटी जाति का वध करके मेरी सारी चिंता दूर कर दी है। गुरुदेव, शंभुक के वध से जो कलंक मुझ पर लगा है मैं कभी मिटा नहीं पाऊंगा। मेरे गुरु होने के पश्चात एक वचन के नाम पर आपने मुझसे छल किया, इसलिए गुरुदेव मेरे राम काल के पश्चात किसी भी कुल में कोई गुरु वशिष्ठ नहीं होगा। मैं आपको इस पद से निष्कासित करता हूं राम, और आज के बाद संसार में मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि हर भक्त को भक्ति का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी वर्ण से क्यों ना हो, भक्त भक्त ही कहलाएगा। देव ऋषि, शंभुक वध के पश्चात श्री राम ने समाज में गहरी बैठी इस कुप्रथा को, जाति और वर्ग के भेदभाव को समाप्त कर दिया, किंतु तब भी वह सत्य को नहीं बदल सकते थे कि शंभुक की हत्या उनके द्वारा ही हुई थी। एक अपराध तो उनसे हुआ था और उसी अपराध का प्रतिशोध देना चाहता है शंभुक सुदामा का वध करके। मन ना अघाए ऐसो मेरे नारायण, जिन्हें देखत मन ना अघाए ऐसो मेरे नारायण। सारे जग के जो भार उठाए ऐसो मेरे नारायण। चाहे कृष्णा को भजो या राम को, किंतु आज तुम्हारे जीवन की शाम यही होगी सुदामा, आज पूरा होगा शंभुक का युगों पुराना प्रतिशोध। जय जय हरि हरि कैसी माया थी? जो भी हो, संसार की कोई भी माया नहीं बचा सकती इस नारायण भक्त को। कौन है जो शंभुक के प्रतिशोध में बाधा डाल रहा है? कौन है जो इस भक्त को मुझसे बचा रहा है? नारायण, तुम? शंभुक, मुझे ज्ञात है तुम्हारे साथ अधर्म हुआ है, किंतु
यदि आंख के बदले आंख ली जाए तो एक दिन ये संपूर्ण संसार अंधा हो जाएगा। इस संसार की चिंता केवल वे क्यों करें जिनके साथ सदा से अधर्म होता आया है? वे लोग क्यों नहीं जो धरती पे बार बार जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए? मैं तुम्हारे क्रोध का सम्मान करता हूँ शंभुक। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अधर्म हुआ है, किंतु उस अधर्म के कारण मैं तुम्हें अपने भक्त सुदामा का हित नहीं करने दूंगा। नारायण, त्रेता युग में मैं निर्बल था, किंतु अब मेरे साथ महादेव का वरदान है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। स्मरण करो शंभुक, महादेव ने तुम्हें क्या वरदान दिया था? उन्होंने कहा था जब तक सुदामा कोई अधर्म नहीं करता तुम उसका अहित नहीं कर पाओगे, और मेरे भक्त सुदामा ने आज तक कोई अधर्म किया ही नहीं है। तो फिर जब तुम्हारे भक्त ने कोई अधर्म नहीं किया है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मैं तुम्हें केवल ये बताने आया हूं कि अब भक्त और भगवान एक हो चुके हैं। सुदामा पे किया गया प्रहार मुझ पर किया गया प्रहार होगा, इसलिए अब तुम्हारा हर प्रयास निष्फल होगा। हो ही नहीं सकता, मेरा सदियों पुराना प्रतिशोध अधूरा नहीं रह सकता। भक्त सुदामा को तो मरना ही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अरे मित्र शंभु, कहाँ चले गए थे तुम पूजा के समय? दोनों मित्र मिलकर भक्ति करते तो उसका आनंद ही कुछ और होता, किंतु कोई बात नहीं, ये लो मेरे भक्ति का प्रसाद ग्रहण कर लो। वर्ण व्यवस्था को खंडित करने का पाप किया है तुमने, जिसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिला है। मैं तुम्हारा प्रसाद लेने नहीं, तुम्हारी हत्या करने आया हूं। अच्छा उपहास कर लेते हो मित्र, किंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा मित्र, भला एक भक्त दूसरे भक्त की हत्या क्यों करेगा? ऐसी क्या शत्रुता है तुम्हारी मुझसे? शत्रुता तुमसे नहीं है, तुम्हारे नारायण से, जिन्होंने राम अवतार में आकर नहीं, मेरे कृष्ण किसी निरपराध की हत्या कर ही नहीं सकते। किंतु उन्होंने मेरी हत्या की है, इसलिए मैंने प्रण लिया था कि उनके परम भक्त की जब तक मैं हत्या न कर लूं मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। और दुर्भाग्यपूर्ण उनके परम भक्त तुम हो सुदामा, तुम। मित्र संभोग, प्रभु कृष्ण का भक्त होना दुर्भाग्य की बात नहीं है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सत्य कहा, इसलिए तो तुम्हारा नारायण बार बार तुम्हें मुझसे बचा रहा है। किंतु एक बात का स्मरण कर लो तुम, जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होता ना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक मैं मुक्त नहीं होता तुम्हारे प्रभु दोष मुक्त नहीं होंगे। इसलिए अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हें तुम्हारा जीवन चाहिए, ये तुम्हारे भगवान की दोष मुक्ति। मेरे प्रभु पर हत्या का दोष, मेरे सखा का ये संकट मुझे दूर करना ही होगा। कुछ क्षण मित्र, जानता प्रभु कि किसका भला करने के लिए आपने शंभुवध का दोष अपने ऊपर लिया है, किंतु किसी के मन में आपके लिए शत्रुता का भाव हो यह सुदामा सहन नहीं कर सकता। मैंने सोचा था मैं द्वारका आऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपके दर्शन करूंगा,
किंतु उससे अधिक आवश्यक है शंभु के मन में तुम्हारे प्रति बैर के भाव को समाप्त करना, इसलिए क्षमा करना प्रभु, मैं इस जन्म में द्वारका नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद जब भी जीवन मिलेगा मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारे ही गुणगान गाऊंगा। यदि आपने धरती पर पुनः अवतार लिया तो वचन है इस भक्त सुदामा का, मैं अवश्य द्वारका मिलने आऊंगा। प्रभु ये सारा जीवन तो तुम्हें ही समर्पित, प्रभु ये मृत्यु भी तुम्हें समर्पित है मेरे प्रभु, मेरे सखा।